नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग व्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। आज हम इसके अंदर देखेंगे डिवीजन एंड सक्सेसिव डिवीजन। यानी डिवीजन में क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर के ऊपर। डिवीजन एल्गोरिथम है दोस्तों, वो क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? अगर मैं बात करूँ डिवीजन एल्गोरिथम की, डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या कहती है कि ए है वो किसके इक्वल होता है बी के प्लस आर। ये है डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर जो ए है दोस्तों वो होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड। ए तो है दोस्तों डिविडेंड, जो बी है दोस्तों वो होता है डिवीजर या डिवाइजर, जो क्यू है दोस्तों वो होता है क्यूसेंट, और जो आर है दोस्तों वो होता है रिमाइंडर। ये बात अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा बता दूं, ये होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, क्यू होता है दोस्तों क्वेशेंट, और आर होता है रिमाइंडर। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक डिवीजन का क्वेश्चन है कि भाई अगर एक नंबर को, इफ ए नंबर इज डिवाइड बाय 60, वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 16, एंड इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, फाइंड द रिमाइंडर। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यदि एक नंबर को 60 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है दोस्तों 16। अगर जो नंबर है वो उसी नंबर को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो बताओ कि वो रिमाइंडर कितना आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका, अब देखो दोस्तों क्या है, मैं मान लेता हूं वो जो नंबर था वो था n, किससे भाग कर रहे हैं 60 से भाग कर रहे हैं 60। हमें नहीं पता कि क्वेशेंट क्या आ रहा है तो उसको मान लेते हैं क्या हो, प्लस रिमाइंडर हमें दे रखा है क्या 16 दे रखा है। ये वही फॉर्म है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी मैंने आपको बताया डिवीजन एल्गोरिथम होती है उसमें वो क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये दोस्तों होता है शेषफल। ठीक है, अब एक नंबर था जो 60 से भाग करने पे 16 रिमाइंडर देता है, बताओ कि अगर वो नंबर सेम नंबर 12 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, उस केस में क्या करेंगे दोस्तों। अब देखो हमें इस नंबर को 12 से डिवाइड करना है तो इसको 12 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 5 क्या हूँ लिख सकता हूँ, प्लस अब 16 के को ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस 4 लिख सकता हूँ ना दोस्तों, लिख सकता हूँ 12 इंटू 5 क्यों 12 प्लस 4। अब दोस्तों आपको दिख रहा है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का जितना नंबर है इसके अंदर 12 एक फैक्टर है, क्या है 12, अगर मैं कॉमन ले लूँ 12 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 5 क्यों, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 4 ये बचेगा, ये दोस्तों नंबर था। अब क्या कह रहा है, अगर उस नंबर को 12 से भाग करूँ तो रिमाइंडर बताओ। अब इस पूरे नंबर को मैं 12 से भाग करूँगा अलग अलग, क्योंकि प्लस में है तो अलग अलग डिवाइड अप्लाई हो जाता है। अब हमें पता है ये कुछ ना कुछ मल्टीपल है तो ये नंबर तो क्या हो गया 12 से भाग हो गया, तो इसको छोड़ दो। अब 4/12 जो हमने कल लास्ट वीडियो की थी रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें क्या किया था, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में दोस्तों जो न्यूमरेटर होता है वो रिमाइंडर बच जाता है। आगे बात समझ में आगे होगी, दोबारा बताता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है दोस्तों, डिविडेंट इज इक्वल टू क्वेशेंट प्लस क्वेशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
नंबर माना मैंने n था, मैंने माना नंबर n था, उसको 60 से भाग करता हूँ तो कोई ना कोई कोएफिशिएंट आएगा, प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें क्योंकि 12 से डिवाइड करना था तो मैं 12 के इसके फैक्टर बनाता हूँ, 12 के मल्टीपल 12 इंटू 5 क्या लिख सकता हूँ, प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 4। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों नंबर्स में क्या है, 12 कॉमन है, इसमें बचेगा 5 क्यू, इसमें बचेगा दोस्तों 1, तो ये आ गया कॉमन प्लस 4। अब उसी नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, हमें पता है इसके अंदर तो है 12 कॉमन, तो ये तो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर बचेगा अब उसमें देख लेंगे रिमाइंडर, 4/12, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों, 4। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कैसे। अब इसी क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है आपसे क्या कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो पूछ रखा है और पूछ ले वो नंबर क्या था, क्या करते हैं बॉक्स बना लेते हैं, बना लिया, जिस नंबर से भाग कर रहे हैं एक डब्बा छोड़ के नेक्स्ट में वो नंबर जो रिमाइंडर आया है वो लिख लें, लिख लिया, इनके बीच में यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 1। करना क्या है, इन दोनों की तो आपस में करनी है मल्टीप्लाई, इन दोनों की तो करनी है आपस में मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या कर देना है ऐड, क्या कर देना है दोस्तों ऐड, 60 एकम 60, और जो भी आंसर आएगा 60 एकम 60 उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है किसके अंदर, रिमाइंडर के अंदर, क्या आ गया 76। ये दोस्तों वो नंबर आ गया हमारे पास, नंबर क्या आ गया 76। अब आप आसानी से कर सकते हैं, अब इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4 12 6 72, बच गया रिमाइंडर कितना 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, क्या अगर इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 84, अब नंबर था उसको मैंने 84 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है हमारे पास 20, ये दे रखा है। अगर इफ डबल ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, अगर उसी नंबर का डबल करने के बाद वो 21 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, यानी रिमाइंडर निकालना है। तो अब जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, डायरेक्ट करेंगे हम कैसे, यहाँ पे लिख लेंगे जिस नंबर से डिवाइड करना है, जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिख लिया। आगे बात समझ में, यहाँ पे इनके बीच में लिखना 1, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या कर देना है ऐड, 84 प्लस 20, तो नंबर कितना आया दोस्तों वो, ये तो हमारे पास क्या आ गया, वो जो नंबर था, नंबर तो आ गया हमारे पास दोस्तों क्या 104। अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, इफ डबल ऑफ सेम नंबर, यानी उस नंबर का डबल यानी 104 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा दोस्तों तो वो कितना आ जाएगा 208। ये क्या आ गया 2 times ऑफ नंबर, यानी उस नंबर का डबल, जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे ही हमने किया।
अगर उस नंबर को 21 से भाग करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब आगे ये सोल्व करना है तो क्या करेंगे, 208 को 21 से 9 पे जाएगा, 18 में से 9 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 0। तो इस केस में दोस्तों रिमाइंडर जो आ गया हमारे पास ये क्या आ गया, 19। यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों रिमाइंडर क्या है, 19 है। अगर आपसे दोस्तों वो नंबर पूछ लेता तो नंबर क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब दे रखा है इफ ए नंबर इज डिवाइड बाय 65 आर इज इक्वल टू 30, सेम नंबर डिवाइड बाय 14 फाइंड रिमाइंडर एंड नंबर। अब क्वेश्चन में ये दे दिया दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि अगर एक नंबर को 65 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर बचता हमारे पास 30, और अगर जो हमारा जो नंबर था वो सेम नंबर को अगर 14 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर और वो नंबर निकालो। तो उस केस में अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से करेंगे हम। कैसे, जिस नंबर से डिवाइड करना था वो लिख लिया, जो रिमाइंडर आया था फर्स्ट केस में वो लिख लिया, यहाँ पे बीच में लिखना है 1, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, और इन दोनों जो भी नंबर आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। 65 बन जा 65 इंटू प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 प्लस 30 कितना आ गया दोस्तों, 95। ये तो क्या आ गया दोस्तों, वो नंबर आ गया, क्या आ गया दोस्तों, नंबर। अब बात आ गई रिमाइंडर की, रिमाइंडर निकालना कब, जब इस नंबर को 14 से डिवाइड किया जाए, 14 से डिवाइड किया जाए, 14 एकम 14, 14 दुनी 28, 14 तिया 42, इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 14 छिक 84 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, 11। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं जिसको टेबल कम आती हो, ये आ जाएगा दोस्तों रिमाइंडर। इस टाइप से आप कोई भी अगर सिंगल टाइम डिवीजन है उस केस में रिमाइंडर और उस क्वेश्चन का नंबर निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगर अब बात करूं दोस्तों मैं सक्सेसिव डिवीजन को, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सक्सेसिव डिवीजन में क्या करते हैं, एक नंबर को क्या कह देगा कि भाई पहले तो मैंने 65 से डिवाइड किया, फिर मैंने 30 से डिवाइड किया, पहले केस में रिमाइंडर इतना आया, दूसरे केस में रिमाइंडर इतना आया, अब बताओ अगर मैं इसी उसी नंबर को किसी थर्ड नंबर से डिवाइड करूंगा तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक नंबर है कोई भी, एक नंबर था कोई भी डिवाइड बाय 12 एंड 15 अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दोस्तों, क्या एक नंबर था कोई भी नंबर था
अगर उसको 12 और 15 से लगातार डिवाइड किया जाए तो पहले केस में रिमाइंडर आता है 4, और दोबारा जब 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 6। तो बताओ कि अगर उसी नंबर को 180 से भाग किया जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, जब सिंगल बार डिवाइड किया था तो मैंने क्या किया था, एक लाइन खींची थी, अब इसमें दो लाइन खींच लेंगे बस। पहले केस में 12 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, और जब 15 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आता है। लिखने के बाद सबसे नीचे लिख लेंगे, उनसे नीचे वाले बॉक्स में 1। वही स्टेप है दोस्तों, क्या करना है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई और इसके अंदर ऐड कर देना। 15 एकम 15 और 6 क्या आया दोस्तों, 21। जो यहां पे नंबर आएगा दोस्तों, जो यहां पे नंबर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 21 को 12 से मल्टीप्लाई करके प्लस में क्या कर देंगे, जो भी रिमाइंडर था। 12 एकम 12 12 दुनी 24 और 1 25, ये क्या आ गया, 252 प्लस 4, यानी वो हमारे पास जो नंबर था दोस्तों वो क्या था, 256। ये हमारा आ गया क्या, नंबर। अब निकालना है दोस्तों रिमाइंडर कब, जब उसको 180 से भाग दिया जाए, यानी 256 को अगर 180 से डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि 101 80 एकम 180, तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 76। ऐसे भी आप रफ लिख के सोल्व कर सकते हैं साइड में, 256 180 180 1 180 6 76 क्या आ गया दोस्तों रिमाइंडर। कैसे किया दोबारा बताता हूँ, अगर सिंगल डिवीजन है तो उस केस में बस जो नंबर था जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और जो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आया है वो लिखेंगे, उनके नीचे एक लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर में, वो नंबर आ जाएगा। अगर आ जाए सक्सेसिव डिवीजन तो क्या करना है दोस्तों, पहले नंबर, जिस नंबर से पहली बार डिवाइड किया है वो फर्स्ट बॉक्स में, और लास्ट बॉक्स में क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। अगले केस में 15 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर था 6, सबसे नीचे वाले भी बीच वाले बॉक्स में लिखना है 1, 15 एकम 15, इन दोनों की आपस में करनी है मल्टीप्लाई, और जो भी नंबर आए उसको इससे ऐड कर देना है। 15 एकम 15 और 6 21, जो भी दोस्तों ये नंबर आएगा इसको इसी तरह जो यहाँ पे नंबर आया इसकी इससे मल्टीप्लाई और ऊपर ऐड कर देंगे, वही किया है मैंने। तो इससे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका नंबर आ जाएगा, और जो भी आगे कंडीशन दे रखी होगी, 180 से डिवाइड करना है तो 180 से डिवाइड कर लेंगे, या कोई भी नंबर होता उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों दे रखा है हमारे पास। क्या अगर एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो आता है 3 रिमाइंडर, और उसी सेम नंबर को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है दोस्तों, यानी पहले 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है, और उसके बाद 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आता है, तो बताओ
कि उस नंबर को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो वो नंबर बताना है और उसका रिमाइंडर बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, वैसे ही हम बॉक्स बना लेंगे। बना लिया, पहले दो कंडीशन थी 5 3 7 6 लिख लिया दोस्तों। इन दोनों के लास्ट दो नंबर बच गया, उसके नीचे वाले बॉक्स में, बीच वाले बॉक्स में क्या लिख लेंगे दोस्तों, 1 लिख लेंगे। इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई, और इसके अंदर क्या कर देना है वो ऐड। 7 × 7 = 6 = 13, जो भी नंबर आया उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी उनको इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 13 × 5 = 68 और 3 = 68, तो नंबर क्या आ गया दोस्तों, 13 × 5 + 3 यानी क्या आ गया, 68 आ गया दोस्तों। अब क्या था कि जो नंबर आया उसको अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। नंबर तो आ गया हमारे पास कितना, 68। अब 68 को डायरेक्ट 35 से डिवाइड कर लो, 3 3, तो ये क्या आ गया दोस्तों, इस केस में रिमाइंडर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोबारा बताता हूं कैसे किया। क्वेश्चन क्या था, इफ ए नंबर इज डिवाइड बाय 5 and 7 सक्सेसिवली, वी गेट रिमाइंडर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 35, फाइंड द रिमाइंडर एंड द नंबर। तो क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर आया है वो लिख लेंगे, यानी जो फर्स्ट बॉक्स में लिखते हैं दोस्तों डिवाइजर लिखते हैं, और लास्ट जो बॉक्स है दोस्तों उसमें रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 और 3 थे 7 और 6 थे, जो लास्ट दो नंबर हैं उनके बीच वाले बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में 1 लिख लेंगे, 7 की और उस 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे ऐड कर देंगे, 7 × 7 और 6 = 13। अब जो यहाँ पे नंबर आएगा उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले रिमाइंडर में क्या कर देंगे, ऐड। तो 13 × 5 = 65 और 3 क्या हो गया दोस्तों, 68। अब उस नंबर को जो भी दे रखा था 35 से डिवाइड करना है, तो हमने 35 से डिवाइड किया तो क्या आ गया दोस्तों, रिमाइंडर आ गया। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।